हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काश आज रात पीएम मोदी टीवी पर आकर आरबीआई की रिपोर्ट पढ़े और कहे, मैंने देश को उल्लू बनाया था, कहते हैं रवीश कुमार। कल्पना कीजिए, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आते हैं और नोटबंदी के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ा रुक कर वे 8 नवंबर 2016 का अपना भाषण चलाते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या क्या कहा, उसके बाद रिपोर्ट पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है, वे खांसने लगते हैं और लाइव टेलीकास्ट रोक दिया जाता है। वैसे कभी उनसे पूछेगा कि आप अपने इस ऐतिहासिक कदम के बारे में क्यों नहीं बात करते। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है, नोटबंदी के बाद 99.3% 500 और 1000 के नोट वापस आ गए हैं। नोटबंदी के वक्त 15.41 लाख करोड़ सर्कुलेशन में था, 15.31 लाख करोड़ वापस आ गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वापस आए नोटों की सत्यता की जांच का काम समाप्त हो चुका है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो भूत पैदा किया गया कि नकली नोटों का जाल बिछ गया है, 1000 के नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं, काला धन मार्केट में घूम रहा है, फिर हंगामा हुआ कि लोग अपना काला धन जनधन खाते में जमा कर रहे हैं। लाइन में जो गरीब लगा है वो अपने 500-1000 के लिए नहीं लगा है, बल्कि वो काला धन रखने वाले अमीर लोगों का एजेंट है। तब तुरंत बयान आया कि इन खातों की जांच होगी और सब पकड़ा जाएगा। एक नया हिसाब इसका नहीं है, ना तो चौराहे पर ना ही दोराहे पर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये भी भूत पैदा किया गया कि जो ब्लैक मनी होगा वो बैंक में नहीं आएगा, उतना पैसा नष्ट हो जाएगा। इस तरह जिसके पास काला धन है वो नष्ट हो जाएगा, 1-2 लाख करोड़ काला धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे सारे दावे बोगस निकले हैं। जिनके पास पैसा था उनके पास आज भी है। अगर काला धन खत्म हो गया होता तो राजनीति में ही उसका असर दिखता। नेताओं के पास रैली के पैसे नहीं होते। वैसे बीजेपी ने चुनावी खर्चे को सीमित किए जाने की राय का विरोध किया है। नोटबंदी के कारण लोगों के काम छिन गए, नौकरियां गई, इन सब को चुनावी जीत के पर्दे से ढंग दिया गया। उस समय एक और बोगस तर्क दिया जाता था कि नोटबंदी के दूरगामी परिणाम होते हैं। 2 साल होने को है, उन दूरगामी परिणामों का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। वैसे ये भी नहीं बताया गया कि दूरगामी परिणाम क्या क्या होंगे। तो आप क्या बने, जोर से बोलिए, उल्लू बने। क्या अच्छा नहीं होता कि जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों से अब सपना देखा था वो सभी बाहर आए और कहे कि हाँ हम उल्लू बने, हम उल्लू थे, उल्लू रहेंगे। वैसे उल्लू बने बैंक वाले, उन्हें लगा कि देश सेवा की कोई घड़ी आ गई है। जब उन पर अचानक नोटों के अंबार गिनने का काम थोप दिया गया तो कई कैशियरों से हिसाब जोड़ने में गलती हुई। 20 से 30 हजार सैलरी पाने वाले बहुत से कैशियरों ने अपने जेब से 5,000 से लेकर 3 लाख तक जुर्माना भरा। ऐसे लोगों पर कई बार पोस्ट लिख चुका हूँ, वो लोग भी चाहे तो बाहर आ सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ हम उल्लू बने। कुछ लोग अभी भी ये कहकर उल्लू बनाएंगे कि नोटबंदी के बाद आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ गई। 2017 से 18 में आयकर रिटर्न 26% बढ़ा है, पर्सनल इनकम टैक्स और एसटीटी मात्रा 19%। आर्थिक सर्वे में लिखा है कि 18 लाख अतिरिक्त आयकर रिटर्न बढ़ने हैं, उनमें से ज्यादातर टैक्स चुकाने की सीमा से नीचे वाले लोग हैं, 2.5 लाख से कम सालाना आय वाले होंगे। बजट में अनुमानित कर वसूली का लक्ष्य 10.5 लाख करोड़ का था, अभी तक प्रोविजनल जमा राशि 9.95 लाख करोड़ ही पहुंची है। सरकार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। आपको पता ही होगा कि आज रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर है, $1.72 का हो गया। कल आप अपने अपने अखबार में खोजेगा कि ये खबर कोहने में कहां छपी है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद बंद हुए 500 और 1000 के 99.3% नोट बैंकों में वापस आए, मोदी के दावों का खुली पोल। मोदी सरकार की नोटबंदी पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है, ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई के जिन आंकड़ों का इंतजार था वो अब आ चुके हैं और इन्होंने मोदी सरकार के दावों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। आरबीआई ने नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस आए नोटों की गिनती पूरी कर ली है। केंद्रीय बैंक ने बताया है कि नोटबंदी के दौरान 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था और इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ चुके हैं।
मतलब केवल 13,000 करोड़ रुपए ही बैंकों में वापस नहीं आ सके, यानी कि प्रतिबंध किया गए नोटों के 1% से भी कम। नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के 99.3% नोट वापस आ गए हैं। आरबीआई ने ये जानकारी बुधवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में दी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये तत्काल मुद्रा का 86% था। सरकार ने 24 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में ये दावा किया था कि उसके इस कदम से देश में काले धन का सफाया हो जाएगा। सरकार का दावा था कि प्रतिबंध की गई मुद्रा का लगभग 13-14% काला धन है और ये बैंकों में वापस नहीं आएगा, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसे 6% के करीब बताया था। लेकिन मोदी सरकार के दावे के विपरीत 99% से ज्यादा प्रतिबंध पैसा वापस बैंकों में आ गया है। अब सवाल ये है कि क्यों सिर्फ इतनी छोटी रकम के लिए देश भर में लोगों को लाइनों में लगा दिया गया? क्यों 1% से भी कम रकम के लिए लाखों करोड़ के कारोबार का नुकसान किया गया, लाखों लोगों को बेरोजगार किया गया, किसानों को बर्बाद किया गया? अगर राहुल गांधी 1984 के दंगों के लिए माफी मांग ले तो क्या मोदी गुजरात दंगों के लिए माफी मांगेंगे, पूछती है सागरिका घोष। राहुल गांधी ने साल 1984 में हुए सिख दंगों को दुखद बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन दौरे पर कहा कि मुझे इसे लेकर जरा भी शक नहीं है, ये एक ट्रेजेडी थी जो बेहद दुखद थी। राहुल ने आगे अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा, मैं मानता हूं कि कुछ कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल थे जिन्हें सजा भी हुई, मगर दंगों में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी। इस मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी 84 के दंगों में शामिल थी। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ महिला पत्रकार सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, मनमोहन 1984 के दंगों के लिए माफी मांग चुके हैं, तो फिर राहुल गांधी उन दंगों के लिए क्षमा याचना क्यों नहीं मांगते? कांग्रेस का नाम 1984 दंगों और मेरठ, मुरादाबाद, हाशिमपुरा हत्या मामले में शामिल रहा है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो लोग 2002 गुजरात दंगों के लिए भाजपा की माफी का इंतजार कर सकते हैं। बता दें कि इन दंगों को 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसका जिन्न आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इन दंगों को लेकर कुछ कांग्रेसी नेताओं का सियासी भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। इनमें जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार समेत कुछ दूसरे नेताओं का भी नाम शामिल है। पत्रकार ने जो कहा उसे लेकर सोचा जा सकता है कि क्या कांग्रेस की माफी मांगने के बाद बीजेपी भी गुजरात दंगे के लिए माफी मांगेगी, ये बड़ा सवाल है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा अब मोदी शाह का असली चेहरा सामने आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस छापामारी कर बोलने की आजादी और मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक ये गिरफ्तारियां की जा रही है। इनका आधार नक्सलियों से संपर्क रखना बताया जा रहा है। इस मामले में सुधा भारद्वाज, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और लंबे समय से खनन श्रमिकों के लिए लड़ती आई है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सुधा भारद्वाज जैसी समाज सेविका के साथ जो महाराष्ट्र पुलिस झूठे प्रकरण बना रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भाजपा और मोदी अमित शाह की जोड़ी का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। गौरतलब हो कि सुधा छत्तीसगढ़ में अपने काम के लिए जानी पहचानी जाती है। वो 29 साल तक वहां रही और दिवंगत शंकर गुहा नियोगी के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य के तौर पर भिलाई में खनन श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ चुकी है। आईआईटी कानपुर की छात्रा होने के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में बिताए दिनों में श्रमिकों की दयनीय स्थिति देख के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ 1986 में काम करना शुरू किया था। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एवं वकील सुधा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ती रही है और वह अभी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई की महासचिव है। फेक न्यूज फैला रहे भास्कर और पत्रिका को ऋतिक रोशन ने लगाई फटकार, कहा अपने दिमाग का कचरा बाहर निकालो। फिल्म स्टार्स पर मसालेदार खबरें बनाने पर आतुर मीडिया को इस बार ऋतिक ने ही फटकार लगाई है।
ऋतिक पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी को बाहर करवाने से लेकर फ्लर्ट करने तक का खबर चल रही थी, जिसके बाद खुद ऋतिक ने सोशल मीडिया पर उन खबरिया संस्थानों को आड़े हाथों लिया है जो उनके नाम पर खबर चला रहे थे। ऋतिक ने पहला ट्वीट पत्रिका को लिखा, जिसमें पत्रिका ने खबर लिखी थी, कंगना के बाद अब दिशा पटानी ने लगाए ऋतिक रोशन पर गंभीर आरोप, परेशान होकर छोड़ी फिल्म। इस खबर को शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा, मेरे प्यारे मित्र पत्रिका जी, कसरत करते हो? थोड़ा जिम जाओ, माइंड से सारा कचरा निकल जाएगा। खासकर 20 डोंकी किक्स, 20 मंकी रोल और 2 डॉग जंप्स आपके लिए सही रहेगा, जरूर कीजिएगा। गुड लक, गुड डे एंड लव यू टू। इसके बाद ऋतिक ने दैनिक भास्कर की खबर पर क्लास लगाई। ऋतिक ने लिखा, भास्कर भाई साहब, कहाँ हो, हाल चाल सब? सब ठीक। देखिए, आपकी दुकान की प्रगति के लिए मेरी तरफ से ये ट्वीट, अगली बार सीधे बोल देना कि मदद चाहिए। दिशा पटानी ने ऐसी खबरों पर बकवास बताते हुए एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, ऋतिक सर और मेरे बारे में बेतुकी और गैर जिम्मेदाराना गॉसिप ने तूल पकड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पूरी तरह से झूठ है और मैंने जो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की है उसके मुताबिक वो बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में से है। ये उनके प्रति मेरा सम्मान है जो मैं इस खबर का जवाब दे रही हूँ। उनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। इस खबर से एक बात तो तय है, मीडिया मनोरंजन की खबर का मतलब सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री से प्रेम प्रसंग हो चला है। अब सोशल मीडिया के दौर में ये तो होना ही था, जब मीडिया अपने मनमानी तरीके से खबर करेगी तो फटकार भी ऐसे ही लगाई जाएगी। न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।